विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई करना है। गिवन एग्जाम्पल है स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 3। इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर क्या आता है हमें फाइंड आउट करना है। जो गिवन इक्वेशन है सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21। अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व किया तो ये 21 का फैक्टर क्या बनता है, 3 इंटू 7। तो अगर ये प्लस ए भी प्लस किया तो दोनों का समेशन 10a बनता है, 10 बनता है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21 बनता है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर प्लस 3a प्लस 10a के जगह में ये 3a प्लस 7a लिख सकता हूँ मैं, और 21 याद होगा। तो यहाँ पर ग्रुप कर दो इन दोनों में ग्रुप कर दो। यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, तो ये अगर कॉमन गया तो ये प्लस 3 रिमेनिंग रहेगा, और यहाँ पर 7 प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, ये प्लस 3 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। तो ये प्लस 3 दोनों में है, तो ये प्लस 3 है इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो ये प्लस 7, ये प्लस 3 इंटू ए प्लस 7। ये स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 7 आ जाएगा। तो इसके जगह में मैं ये लिख लेता हूँ, ओके, ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 7 डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7। तो यहाँ पर 1 इंटू 7 मीन्स 7 फैक्टर, 7 का फैक्टर निकालो तो 7 इंटू 1 आ जाएगा, 7 इंटू 1 मीन्स 7 ही हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर हमें प्लस 6a चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर दो, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, प्लस 7 में एक माइनस किया तो प्लस 6 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हम ये स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1a माइनस 7 किया, तो प्लस 7a में माइनस 1a अगर लगा गया तो प्लस 6a ही रहेगा। तो इन दोनों में ग्रुप कर दो, इन दोनों में यहाँ पर ये कॉमन ले लो तो ये प्लस 7 रहेगा इसमें, तो नेगेटिव 1 इसमें अगर कॉमन लिया ये प्लस 7 यहाँ पर रहेगा, तो ये माइनस 1 यहाँ पर दोनों के बीच में मैं नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी ए प्लस 7 है, यहाँ दोनों में भी ए प्लस 7 है, तो ये प्लस 7 अगर यहाँ पर दोनों में कॉमन लिया तो ये माइनस ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 इससे बनेगा, ठीक है। तो इसके जगह में मैं ए प्लस 7 इंटू ए माइनस 1 रखूँगा, ए प्लस 7 इंटू ए माइनस 1। अभी इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो अभी इंटू ये ऊपर कैसा है, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 1 इसके जैसा है, तो इसका मतलब ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 हम लिख सकते हैं इसमें, तो डिवाइडेड बाई ए प्लस 3 है, वो ए प्लस 3 एज यूजुअल रहेगा, दिस इक्वल्स। तो यहाँ पर देखो अभी क्या क्या कट हो रहे हैं, ए प्लस 7 है इसमें, यहाँ पर ए प्लस 7 है और यहाँ पर ए प्लस 7 है, वो दोनों कट कर दो, और यहाँ पर ए माइनस 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर ए माइनस 1 है, ये दोनों कट कर दो क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, वो दोनों कट हो जाएगा। और यहाँ पर ए प्लस 3 है, यहाँ पर ए प्लस 3 है, ये दोनों ए प्लस 3 कट कर दो। यहाँ पर देखो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ओनली ए प्लस 1 रिमेनिंग रहा, तो ऊपर क्या है ए प्लस 1 रहा, तो नीचे क्या है, ये कट हो गया, ये कट, ये कट हो गया, कुछ भी नहीं रहा, इसका आंसर क्या है ए प्लस 1। तो आराम से इसका वैल्यू क्या रखेंगे, ए प्लस 1, ये आंसर इसका सिंप्लीफिकेशन, ए प्लस 1, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।